हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट गेम वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट गेम वीडियो में हम दो बर्ड्स देखने जा रहे हैं, जेई मेन का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया है भैया, ए लार्ज कंटेनर विद ओपन टॉप ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैज ए स्मॉल होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इन इट्स साइड वॉल नियर द बॉटम। द कंटेनर इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एंड कंटेन्स अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड मास एम। इफ द लिक्विड स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द होल एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ द लिक्विड व्हेन 75% ऑफ द लिक्विड हैज ड्रेन्ड आउट इज। अब चार ऑप्शन है, अंडर रूट ऑफ 3 mg अपॉन 4 a रो, दूसरा है अंडर रूट ऑफ 2 mg होल अपॉन a रो, तीसरा है 2√mg अपॉन a रो, चौथा है √mg अपॉन 2a रो। और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा होगा, चौथा ऑप्शन है दैट इज √mg अपॉन 2a रो। अब ये करेक्ट आंसर आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए आज के वीडियो में, आपको देरी की है। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स अब जो क्वेश्चन में बात की गई है उससे एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं और जो हमसे पूछा गया है उसको भी लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस क्या दिया है भैया, हमारे पास बात की गई है कंटेनर की जो की सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और यहाँ पर इसके हमने कर दिया नीचे होल कुछ इस तरह से, बिल्कुल जस्ट बॉटम से थोड़ा सा ऊपर, बॉटम से इस होल तक की जो हाइट है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, क्वेश्चन से कहा गया है। और इस टैंक में यहाँ तक हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड की डेंसिटी है रो और इसका मास है एम, ठीक है, और ये लिक्विड इसमें कम्प्लीटली भरा हुआ है एक तरह से, ठीक है, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो हमारे पास है टॉप से लेकर बॉटम, जो लिक्विड जहाँ पर भरा हुआ है एच है, ठीक है, और नीचे का जो ये एरिया है जो सिलेंड्रिकल होगा ना, क्योंकि ये कंटेनर होगा तो सिलेंड्रिकल शेप होगी नहीं, तो इसके नीचे क्या होगा एक सर्कुलर इस, तो ये बस इसका जो एरिया दे रखा है वो कैपिटल ए दे रखा है, ठीक है, ये बातें हमारे पास दे रखी है। अब क्या कहा गया भैया, टी इज इक्वल टू 0 पे, जब ये स्टार्टिंग में जो कंटेनर रखा हुआ है जो टैंक रखा हुआ है टी इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पर हमने इसको होल्ड कर दिया और इस होल्ड से क्या हो रहा है भैया, अब यहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इसमें से लिक्विड ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब उस टाइम बाद क्या हुआ, आफ्टर टाइम टी जब ये पानी निकलता रहा, ये जो लिक्विड है निकलता रहा, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा भैया, इसमें लिक्विड कम हो जाएगा, बिल्कुल होगा भैया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है जब ये लिक्विड कम होगा, ये होल अभी भी यहीं पर है, ठीक है, जो है तो इसकी जो हाइट है ना वो इतनी हाइट हो जानी चाहिए, कितनी, इसकी जो हाइट है वो 75% कम हो जानी चाहिए। अब जब हम टाइम टी पे इसको देखते हैं तो 75% इसकी हाइट कम हो जानी चाहिए, इसमें से लिक्विड तो अभी भी निकल रहा है इस तरह से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो हो गया बस टी, लिक्विड की हाइट है वो बस कितनी बची है, वो बस बची है पहले थी एच माइनस हमने की कितनी 75% ऑफ द इनिशियल जो हाइट थी, तो 75% होती है 3/4 h, ये मेरे पास आ गई h/4, तो ये हाइट बची है एच अपन फोर हाइट जब इसमें रह जाएगी टैंक में, तब हमें क्या बताना है भैया, यहाँ पर जब लिक्विड इतना आया है अब हमें यहाँ पर ये बताना है भैया, जो यहाँ पर ये वेलोसिटी है ना, जिस वेलोसिटी से यहाँ से होल से लिक्विड निकल रहा है वो वेलोसिटी हमें बता दो, इसी को हम क्या कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं, जो कि टोरिसेली ने बताया था, यही हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है, ठीक है। इसके जो रो है वो अभी भी रो है और इसका जो मास है वो अभी भी सेम है, मास इसका थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि एक कंटेनर में अब जो लिक्विड है वो कम है लेकिन डेंसिटी सेम रहेगी, एरिया इस कंटेनर का अभी भी सेम रहेगा नीचे का, ठीक है। तो ये ए है, ये है बस क्वेश्चन है बात की गई है पूरी जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, अब हमसे जो पूछा गया है उसको देखते हैं, देन अब हमें बता दो भैया वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, मतलब कि वी हमें निकालना है ऑफ लिक्विड का, कब कंडीशन दे रखी जो मैंने आपको बताई थी, व्हेन 75% भैया 75% लोगे 3/4 तो लिक्विड है वो खत्म हो चुका है, ड्रेन हो चुका है, निकल चुका है, हैज ड्रेन्ड आउट, बचा कितना और बस सिर्फ 1/4 तो बचा ना, तो 3/4 निकल गया, तो ये हमें बताना है, ठीक है।
अब 75% का मैंने आपको लॉजिक बता दिया, लेकिन एक बार यहाँ पर और चीज को कर लेते, 75% लिक्विड ड्रेन हुआ है ना, लिक्विड ड्रेन्ड। अब बस टोटल जो लिक्विड की उसकी ऐड कितनी थी, उसकी ऐड थी एच, तो 75% कितना हो जाएगा, 75/100 इनटू में एच कर देंगे, ये हो जाएगा बस 25 3 जा 25 4 जा, दैट इज 3/4 एच मेरे पास क्या है जो लिक्विड है वो निकल चुका है, लिक्विड ड्रेन्ड आउट, लिक्विड ड्रेन्ड आउट, इतनी ऐड का लिक्विड निकल चुका है। अब मेरे पास बचा कितना है भैया, लिक्विड लेफ्ट, लिक्विड लेफ्ट मेरे पास क्या है, हम हाइट में बात कर रहे, ध्यान रखना जो भी है मैं सब हाइट में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बस एच डैश में इसको कह देता हूँ, ये बस हो गया एच, वैसे माइनस करेंगे 3h/4 को, तो h/4 मेरे पास क्या है, लिक्विड इतना आप बच गया है कंटेनर में, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, अब हमें वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स बताना है, दैट इज वी, यानी कि ये वाली वेलोसिटी। नाउ हमसे जो पूछा गया है उस पर आ जाते हैं, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या है, तो सीधे सीधे उससे ही आपका काम बन जाएगा, जो कि हमें लिखा है वी, ये हमें निकालना है ना वी। तो देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे कौन सा वाला फॉर्मूला, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ये बस एक कंटेनर है, इसमें बस यहाँ पे बॉटल में चाहे एक निडल हमने पिन कर दी है, कहीं पे भी कर सकते हैं, मैंने बॉटम में लेके चल रहा हूँ बिल्कुल, और यहाँ पर इसमें इतना लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, लेट्स सी वाटर लेके चल रही है, और यहाँ से लेकर पॉइंट जहाँ पर ये होल है यहाँ तक कि जो हाइट है इस लिक्विड की इस कंटेनर में, वो हम बस कितनी है एच है, और यहाँ पर ये क्या है, इस होल से क्या है वेलोसिटी वी से, ये जो लिक्विड है वो निकल रहा है इस तरह से निकल रहा है, ठीक है। और हमें पता है भैया, देखिए आपकी बात तो बताओगे ना, जो टैंक है या फिर कंटेनर जिसमें भी जो लिक्विड रखा है, तो उसमें जो ऊपर वाले जो लेयर होते हैं सबसे ऊपर, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, वो बस जीरो नहीं होती, क्योंकि वो ना तो कहीं मूव कर रहा है ना ही कहीं ट्रैवल कर रहा, तो वो क्या है स्टेबल रखा हुआ है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। सिमिलरली ये पहली लेयर है, अब आप दूसरी लेयर देखेंगे वो भी क्या है, उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि वो भी स्टेबल रहती है, नीचे से जो लेयर होती है वो निकलती है, तो जैसे ये वाली लेयर है लास्ट वाली, और इससे जो ऊपर वाली लेयर है जो कि निकल नहीं रही, तो यहाँ पर भी ये यू जीरो होगा, क्यों, क्योंकि जो उससे ऊपर वाली लेयर है वो तो स्टेबल है ना, वो तो कहीं मूव नहीं कर रही, वो कौन सी कर रही है, जो ये वाली लेयर है जो कि वी वेलोसिटी से निकल ही रही है, इससे ऊपर वाली लेयर बस यू है जो कि जीरो है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर यू को जीरो करते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा इतना भी कौन सी लेयर है क्या है, तो सीधा देखिए ये वी है और सबसे ऊपर आप आ जाइए टॉप लेयर, बस इनिशियली क्या होती है जीरो होती है, रेस्ट पे होती है वो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो ये आपको लेना है और ये लेना है, तो इनिशियल यहाँ पर ये हो गए यू जीरो हो गए इस पॉइंट पे, और वी यहाँ पर है ये और आई डी हो रही, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, न्यूटन की भैया थर्ड इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पर, न्यूटन थर्ड इक्वेशन जो कि कहती क्या है हमसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है भैया, नीचे की तरफ लग रहा है जी, और वेलोसिटी आप देखेंगे इधर है और हाइट भी नीचे की तरफ है, तो हमें आज सीधे सीधा कह सकते हैं कि हम नीचे की तरफ पॉजिटिव अगर मान लें, तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी हो रही है, वेलोसिटी फाइनल में पास कितनी है ये रही, तो ये वी हम लिखेंगे माइनस में इनिशियल में पास कितनी है जीरो, तो जीरो हो गया इज इक्वल टू 2, और जी नीचे लग रहा है नीचे ही है, और एच भी नीचे की तरफ भी, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नीचे ही है, तो एच भी हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं देखो तो मेरे पास जो वेलोसिटी मिल रही है ई फ्लक्स की हो रही है √2gh, और यही वेलोसिटी हमारे पास ई फ्लक्स की होती है, क्योंकि टॉरिसेली ने बताया था, ठीक है। आपको अगर ये समझ आ गया है तो बस गाइस का कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना आगे मेरे बस √2g और h डैश है, क्योंकि भैया इतनी ही h हमारे बची थी ना, तो अब h डैश को हम डाल देते हैं यहाँ पर 2 × g और h डैश हमारे पास कितना हो गया h/4 हो गया, ठीक है। इतना समझ आ गया, ये पूरे में अंडर रूट है। अब हमारे पास h में तो ऑप्शन नहीं था, हमारे पास तो g में था, m में था, रू में था और a में था। अब ये हम कैसे देखेंगे, अब देखिए हमारे पास जो कंटेनर जो टैंक है आप उसको अगर ऑब्जर्व करेंगे, तो उसका नीचे का क्या एरिया था, उसका वो सिलेंड्रिकल शेप के था टैंक का, हमारे पास पता है हमें सिलेंड्रिकल शेप ही होता टैंक, इसका जो ये एरिया था हमारे पास ये दे रखा था, और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ था इसका बस क्या है रो दे रखा था, डेंसिटी और मास हमारे पास उसका दे रखा था, ये तो चीज़ें दे रखी थी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमें पता है भैया डेंसिटी क्या होता है, रो डेंसिटी से डिनोट कर रहे हैं, ये होता है मेरे पास मास अपॉन में वॉल्यूम, और इसकी जो हाइट थी वो एच थी, ठीक है, यहाँ पर बोलता ना, तो इतनी हाइट एच थी। तो अगर आप देखेंगे तो सिलेंडर के लिए आप अगर वॉल्यूम देखेंगे तो आप बस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम में निकलना चाहता हूँ, देखिए सिलेंडर के लिए क्या होता है वॉल्यूम मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर है क्या, ये जो बेस का एरिया यही तो है, तो इसको हम इसे डिनोट करेंगे, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ये एच हो गया, तो बस जो वॉल्यूम है वो क्या मेरे पास आ गया a into h, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ रो मेरे पास कितना हो गया मास अपॉन में a into में h,
और एच हम निकाल लेंगे तो एच क्यूब पुट कर देंगे, तो यही वो करने वाले हैं। यहाँ से जो एच क्यूब वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास में कितने भी यार, एम ए और रो, एम अपॉन में ए रो, ये है बस एक और कॉन्सेप्ट है, छोटा सा रिलेशन है, बस थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करनी थी, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ये भी आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ आ गया तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये बस हो गया टू से कितने टाइम, टू टाइम, तो ये हो गया बस जी एम अपॉन में टू और ए और रो, और यही हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स हो गया लिक्विड का जी, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को देखकर जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जो भी डाउट होगा सॉल्व कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं तो सॉल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए बड़ा परिश्रम करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ले आना, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ, टिल देन बाय बाय टाटा।